मैम ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है. तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं. हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है. देखिए सर, अभी इतना सब तो हम नहीं जानते ना, हम नए नए आए हैं तो इतना हमें नहीं पता. हमें बस इतना पता है दैट एज एन एक्टर एंड एज अ वेरी न्यू एक्टर, अभी मतलब 3 महीने भी नहीं हुए हैं मुझे, इस जैसे फाउंडेशन का हिस्सा बनना मेरे लिए एक प्रिविलेज की बात है. सिंटा से जुड़ना मेरे लिए एक मतलब बहुत ही बड़े प्रिविलेज की बात है. और यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोगों के काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हम लोगों के लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, आई थिंक दैट ऑल इन ऑल अ बॉडी लाइक सिंटा मेक्स एवरीबडी दैट बिलोंग्स टू इट फील सेफ एंड सिक्योर. आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सिंटा टुडे. थैंक यू जी. नहीं, एक्चुअली हमने नहीं देखी है, लेकिन हम आज ही जाने वाले हैं देखने के लिए. थैंक यू सो मच. आई कंडेम इट कम्प्लीटली एंड इट्स पैथेटिक. बहुत ही यार, इतना कैसा इंसान के पास वक्त है इतना फालतूगिरी करने का. यू नो, वक्त के साथ साथ यू नीड, हाउ यू हैव दैट माइंड सेट. एंड कोई अपने बेचारे जो बॉर्डर पे खड़े हैं, दे आर नॉट गोइंग इन टू सुसाइडल मिशन. वो भी काम कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं. इट्स बेसिकली अपने परिवार को पाल रहे हैं. यार तुम सोच भी नहीं सकते हो कि यार तुम एक सिर्फ यूनिफॉर्म को नहीं मार रहे हो, एक परिवार को तकलीफ में डाल रहे हो. एंड यू आर हर्टिंग सो मेनी सेंटिमेंट्स. आई कंडेम इट कम्प्लीटली. अनायता, रजित, जॉनी भाई. भाई So this is basically what we have film festival, music festival, but there is a later festival. Bye. 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 B
लोग पीछे।